हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अम्ब्रेला प्लाजो। ये डायमीटर कपड़ा है, इसको सीधा बिछा के फोल्ड करके, और ये तिरछा मोड़ लिया था मैंने, और यहाँ से कोण से मैं नाप रही हूँ। ये 11 इंच लिया था यहाँ से, और कोण से यहाँ तक हुआ था 16 इंच। अब मैं इसकी लंबाई देख रही हूँ, लंबाई है इसकी 35 तैयार। तो ये 2 इंच ऊपर के लिए छोड़ के तब लेना है ये हमें, 2 इंच ऊपर के लिए बेल्ट के लिए लगेगा जिसमें इलास्टिक डलेगी। ये मैंने 33.5 इंच लिया है, ये नीचे से नहीं मुड़ेगा, नीचे से पिको होगी इसको। ये ऊपर से नीचे तक गोड़ाई में लिया है मैंने ये 33.5 इंच। अब ये देखना, यहाँ से पट्टी जुड़ेगी, ये तिरछी कली डलेंगी यहाँ। अब ये नाप लेना है ऊपर से, ये यहाँ 33.5 ही होना चाहिए। ये देखिए 33.5 है। ये यहाँ से भी काट दें, ये निशान लगा लेना है ताकि जोड़ते समय दिक्कत ना आए। यहाँ से आसन ले रही हूँ मैं, ऊपर 2 इंच छोड़ के ये 11 इंच का आसन लिया है मैंने, और ये यहाँ से 2 इंच लेके, और ये तिरछा मिला के यहाँ से गोड़ाई कर दी है आसन की। ये हो गया है आसन, ये हमारा प्लाजो कट गया है। अब ये मैं ऊपर पट्टी के लिए काट रही हूँ, ये 4 इंच कटेगा। ये दो पट्टियाँ कटेंगी, ये प्लाजो कट के हमारा तैयार हो गया है। अब मैं इसकी स्टिचिंग कर रही हूँ। पहले जो वो दो कली काटी थी नीचे तिरछी वाली, वही जुड़ेंगी। ऐसे एक ऊपर रख के और एक नीचे रख के जुड़ेंगी ये। एक पट्टी ये जोड़ दी है, अब ये दूसरी ये जोड़ रही हूँ मैं। वो ऊपर रख के जोड़ी थी, ये नीचे रख के सिलाई कर रही हूँ। ये दोनों पट्टियाँ जुड़ गई हैं, यानी जो तिरछी कली थी वो। अब इसके ऊपर जो 2 इंच 4 इंच की पट्टी काटी थी पहले, वो पट्टियाँ जुड़ेंगी दोनों साइड। ये उल्टा सीधा देख लेना है हमने। ये आसन है, ये आसन है, आसन नहीं जुड़ेगा, पहले पट्टी जुड़ेंगी जो 4 इंच की काटी थी यहाँ। ये पट्टी जोड़ दी है, ये लंबी पट्टी है तो ये काट दे यहाँ से।
ऐसे ही दूसरी साइड जोड़ लेनी है। ये दोनों साइड पट्टियां जुड़ गई हैं। अब आसन जोड़ना है, ऐसे मिला के ऊपर से नीचे तक। ये जो इलास्टिक वाली पट्टी है ये पहले ही लगा दी है। इससे आसानी होती है। ये दो दो मशीन लगानी है आसन पे। ये आसन जोड़ दिए हैं मैंने। अब यहाँ से मैं ऊपर से जो 4 इंच की पट्टी जोड़ी थी उसका नेफा मोड़ रही हूँ। ये इतना चौड़ा मोड़ना है इलास्टिक डल जाए। ये देखिए नेफा मोड़ दिया है और ये थोड़ी ही जगह छोड़ दिया है इलास्टिक डालने के लिए। अब ये इसकी प्लाजो की कमर 28 इंच है तो ये मैं 24 इंच का ही इलास्टिक काटूंगी। ये फोल्ड करके 12 लिया था मैंने और ये ऐसे डालेंगे तो आसानी होगी पेचकस की सहायता से, जल्दी डलेगा। ये देखिए कितना जल्दी डल गया इलास्टिक। अब ये इनको आपस में मिला के और मशीन लगा देनी है 4-5। ये खुलेगा नहीं। ये जहाँ से हमने इलास्टिक डाली थी उस पे सिलाई लगा दे। अब इसको एक सार करके अब इलास्टिक के बीच से मशीन लगानी है। इलास्टिक मुड़ेगा नहीं। इतना आसान है प्लाजो सिलना अम्ब्रेला। वीडियो ध्यान से देखा करो दोस्तों तभी समझ में आएगा। ये देखिए इलास्टिक डाल दी है, कितनी फिनिशिंग के साथ इलास्टिक डली है। अब ये जो लंबी मशीन है वो लगा रही हूँ मैं। हमारा प्लाजो सिल के तैयार हो गया है। कितनी जल्दी प्लाजो सिला है, कटिंग भी और स्टिचिंग कितनी जल्दी हुई है प्लाजो की। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।